दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेस्ट स्पेशल के साथ हम लोग मल्टीप्लाई किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे पास एक ईयर की फोरकास्ट है, सेल्स फोरकास्ट, और ऑर्गेनाइजेशन चाहता है फोरकास्ट को 10% से बढ़ा दिया जाए। अगर 10% बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कि हम इस फोरकास्ट को मल्टीप्लाई कर दें 1.1 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.1 लिख लेते हैं एक जगह पर और इसको कंट्रोल सी कॉपी करते हैं। डेस्टिनेशन जो है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल पर जाते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और ओके। अब आप देख रहे हैं हमारी सारे नई डेस्टिनेशंस 10% इंक्रीज हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है जिसमें पेस्ट स्पेशल की मदद से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और हम लोग एग्जाम्पल चेक करते हैं मल्टीप्लाई का। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मॉडिफाई फोरकास्ट बाय 10%, जितनी भी फोरकास्ट है वो 10% से बढ़ाना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारी सारी फोरकास्ट है, हम इसको 10% बढ़ाना चाहते हैं। 10% बढ़ाने का मतलब है इसको अगर 1.1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। हम लोग यहाँ पर 1.1 लिखते हैं, इसको कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करते हैं, यहां पेज पर जाते हैं और पेस्ट स्पेशल क्लिक करते हैं। दो तरीके हैं, राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं आप डेटा के ऊपर, या इधर होम टैब में सबसे पहला जो फीचर है वो पेस्ट का है उसे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे पेस्ट ओके। और आप देख रहे हैं सारा डेटा हमारा चेंज हो गया है, अपडेट हो गया है और ये 10% इंक्रीज हो गया है। हम इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी जनरेट होती है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है सिर्फ क्वार्टर का जो आखिरी महीना है वहां पर अगर हम सेल्स टारगेट 20% बढ़ा दें तो क्या होगा। सिर्फ आखिरी महीने में सेल्स टारगेट बढ़ाने पर 20% क्या होगा, हम ये देखना चाहते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, किस तरह से बाइफर्केट करेंगे, तो हम देखते हैं। तीसरा महीना है जो हमारा सेल्स टारगेट है, पहले दो महीने हमारे टारगेट नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पर डेटा कुछ इस तरह से लिखते हैं 1, 1 और 1.2, ये 20% हो गया हमारा। 1.2 लिख दे तो 20% आता है। हम इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, टारगेट सेल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल और मल्टीप्लाई। आप यहां देख रहे हैं कि पहला 685 है और तीसरा 1030 है। हम ओके करते हैं। देखिए 685 तो अपनी जगह पर ही रहता है लेकिन जो तीसरे क्वार्टर्स हैं वो सब जगह चेंज हो गए हैं। तो पहले वाले जो क्वार्टर्स थे वो दोनों तो 1 से मल्टीप्लाई हुए और तीसरा क्वार्टर जो है वो हमारा 1.2 यानी 20% इंक्रीज हो गया। हर बार तीसरा महीना जो है मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर, हर क्वार्टर का जो तीसरा महीना है उसके अंदर चेंजेस आए हैं लेकिन बाकी सारा डेटा इंटैक्ट रहा है। एक और खास बात आप देखें, आपका जो फॉर्मूला था वो पहले C3+D3 था, वो N2 हो गया है। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला C4+D4 था जो टोटल सेल्स थी, वो भी N2 है, लेकिन तीसरा फॉर्मूला हमारा C5+D5 × 1.2 हो गया है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है, इस तरह मल्टीप्लाई करने पर हमें नया आंसर मिल जाता है।